हाय गाइज एंड वेलकम टू अमनदीप क्रिएशंस यूट्यूब चैनल। गाइज, क्रिएटिन को फर्स्ट टाइम 90s में सोल्ड किया गया था एज ए पॉपुलर सप्लीमेंट। उस टाइम सप्लीमेंटेशन कोई नई चीज़ नहीं थी, बट क्रिएटिन नई चीज़ थी और उसने बहुत ही जल्दी पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी। और कुछ ईयर्स के बाद बाकी सप्लीमेंट्स की तरह क्रिएटिन ने भी एक रेपुटेशन गेन कर ली, क्योंकि ये काफ़ी इफेक्टिव है बॉडी बिल्डिंग फील्ड में। ये मैटर नहीं करता कि आप क्रिएटिन को किस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, ये आपको सेम मसल गेनिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। नाउ क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब आप क्रिएटिन ले रहे हैं तो आपको कब क्रिएटिन को लेना चाहिए और मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए आपको इसे कैसे लोड करना चाहिए। चलिए अभी जानते हैं कि क्रिएटिन को लोड कैसे किया जाए। क्रिएटिन अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी तब अचीव करता है जब उसे बॉडी में प्रॉपरली लोड किया जाए। लोडिंग का मतलब है कि बॉडी में इनफ क्रिएटिन प्रोवाइड करवाना टाइम टाइम पे। क्रिएटिन लोडिंग के लिए आपको फर्स्ट 7 डेज 5 ग्राम ऑफ क्रिएटिन 2-3 टाइम्स ए डे कंज्यूम करना होता है। देन आप पर डे 3-5 ग्राम ऑफ क्रिएटिन ले सकते हैं क्रिएटिन मेंटेनेंस के लिए। लॉजिक ये कहता है कि आपको क्रिएटिन को अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले लेना चाहिए। ये सेम एग्जैक्टली वही लॉजिकल प्रोसेस है जो आप कॉफ़ी लेते वक्त फॉलो करते हैं जब आप बोर फील करते हैं। रिसेंटली नोवा साउथ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा के साइंटिस्ट ने 19 वेट लिफ्टर्स पर स्टडी की, जिसमें उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। दोनों ही ग्रुप्स ने सेम एक्सरसाइजेस हर दिन परफॉर्म की फॉर 4 वीक्स और सभी ने सेम अमाउंट ऑफ क्रिएटिन डेली कंज्यूम किया, दैट इज 5 ग्राम पर डे। बट एक ग्रुप ने क्रिएटिन को बिफोर वर्कआउट कंज्यूम किया और एक ने आफ्टर वर्कआउट। वो ग्रुप जिसने क्रिएटिन को आफ्टर वर्कआउट कंज्यूम किया, उन्होंने डबल मसल मास एक्सपीरियंस किया ऑन देयर बॉडीज एज कम्पेयर टू दोज हु टुक इट बिफोर वर्कआउट। आल्सो इस ग्रुप ने 2.2 पाउंड्स ऑफ फैट ऑन एवरेज लूज किया और लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर फील किया एज कम्पेयर टू दोज पीपल इन द ग्रुप दैट टुक द क्रिएटिन बिफोर वर्कआउट। और इस स्टडी के अकॉर्डिंग जिस ग्रुप ने क्रिएटिन को वर्कआउट के बाद कंज्यूम किया, उन्होंने बेटर रिजल्ट्स अचीव किए एज कम्पेयर विद दोज हु टेक इट बिफोर वर्कआउट। इसके पीछे का एग्जैक्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस क्लियर नहीं है, बट रिजल्ट्स क्लियर हैं, जिसका मतलब है कि क्रिएटिन को हार्ड वर्कआउट सेशन के बाद लेना ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू टेकिंग इट बिफोर वर्कआउट। सो अगर आप क्रिएटिन को बिफोर वर्कआउट यूज़ कर रहे हैं और आपको एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, देन आप इसे पोस्ट वर्कआउट यूज़ करके इफेक्टिव रिजल्ट्स पा सकते हैं। सो गाइज, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रिएटिन एंड इट्स डोज एंड सप्लीमेंटेशन। गाइज, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्थी।